चंद्रयान 3 की सफलता को कल एक साल पूरा हो जाएगा और इस एक साल के दौरान ही चंद्रयान 3 ने चांद से कई ऐसी तस्वीरें भेजी है जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में कई अहम जानकारी भी मिल रही है। अब तक इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने क्या कुछ जानकारी दी है, इसको लेकर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। अगस्त 2023 शाम के 6:03 हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो कमाल कर दिखाया जिससे दुनिया हैरान हो गई। इसरो श्री एस सोमनाथ लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई, गर्व की बात है, हिंदी में एक कमाल। और आज से ठीक एक साल पहले चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। अब इस लैंडिंग के एक साल बाद चंद्रमा से लैंडर और रोवर ने कई तस्वीरें भेजी हैं, जिस पर इसरो के वैज्ञानिकों का शोध जारी है। लेकिन अब तक की तस्वीरों से भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 से भेजी गई इन तस्वीरों से चंद्रमा की जियोग्राफी को लेकर कई ऐसे सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो अब तक अनसुलझे थे। दुनिया के एक बड़े रिसर्च जर्नल नेचर के मुताबिक चंद्रयान ने चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर कई सवालों के जवाबों को तलाशा है। चंद्रमा की सतह मैग्मा के महासागर से ढकी हुई थी। चंद्रमा के दक्षिणी छोर से चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी हैं, वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया। जानकारी के मुताबिक चंद्रमा का निर्माण 2 प्रोटोप्लैनेट के बीच टकराव से हुआ था। इस टकराव के बाद बड़ा ग्रह धरती बना और छोटा ग्रह चंद्रमा बन गया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब चंद्रमा बना था उस वक्त वहां का तापमान बहुत अधिक था और जैसे जैसे चंद्रमा ठंडा हुआ तो कई खनिज नीचे चले गए और चंद्रमा का आंतरिक हिस्सा तैयार हो गया। इससे पहले नासा के मिशन चंद्रमा के भूमध्य और मध्य अक्षांश क्षेत्रों से लिए गए मिट्टी के नमूनों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव ने ऐसी तस्वीरें भेजी हैं। आपको बता दें कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी भी तय की और कई जानकारियां हासिल की। वहीं चंद्रमा की सतह पर भारत के अशोक स्तंभ को उकेरने की कोशिश की गई। हालांकि चांद की सतह परिकल्पना से अलग है जिसकी वजह से इसमें कई परेशानी भी आ रही है। बहरहाल स्पेस सेक्टर में चंद्रयान के जरिए भारत का योगदान काफी अहम हो जाता है, जिसे लेकर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को कई सारी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।